राम राम सभी को। नई सुबह के साथ नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो भाई आज का सीन ऐसा है, रोज मैं ऐसे दिखाती थी कि मैंने योगा कर लिया, आज मैंने योगा नहीं किया क्योंकि हफ्ते में एक दिन का मैं रेस्ट ज़रूर लेती हूँ और वो ज़रूरी भी है लेना। और बस अभी आज अगर योगा नहीं करी तो मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। सुबह के बज चुके हैं 8। सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि बस फटाफट से अपना काम ख़त्म करो और फिर सारे दिन में रिलैक्स रहो, और योगा करने के बाद थोड़ा सा एनर्जेटिक हो ही जाता है। आई होप आप भी इस चीज़ से मेरे साथ सहमत होंगे कि योगा करने के बाद, नहीं तो अगर बाहर वॉकिंग भी करके आते हैं ना तब भी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। और आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, और मेरी सारी किचन फैली पड़ी है। और आज पता है कि रात को दूध गर्म किया, जिस डोंगे में दूध गर्म किया ना वो ऐसा कैसे ही रख दिया, धोया नहीं था और सुबह भी ध्यान में नहीं रहा, उसी डोंगे में दूध गर्म कर दिया सुबह और वो दूध फट गया। मतलब हुआ तो आज पहली बार ही ऐसे है क्योंकि हम रात को दूध गर्म करते थे और उसी में ही अगर सुबह करते थे ना तो वो फटता नहीं था, लेकिन आज वो फट गया, पता नहीं क्या कारण था, और वो सारा फेंक दिया और तो कुछ नहीं कर सकते थे। वही मैं अब अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से और फिर मिलते हैं बाद। वही मैं अब लेके आ गई थी शावर और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और आज तो ना 2-3 बार लाइट भी चली गई। अब मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ भूख है, फिर भूख तो सुबह ही लगने लग जाती है लेकिन पानी पी पी के काम चलाती हूँ। अब मेरे को लगने लगी है बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटी, और ये मेरा आटा रखा है। और आज ना पता है क्या हुआ, मैंने मेरे पास ना मिट्टी का तवा है और मैंने जैसे ही तवा रखा ना गैस पे तो वो बीच में से क्रैक आ गई उसमें, लेकिन अब क्या करूं। वैसे तो दूसरा तवा भी है, देखो ये रखा दूसरा, और देखो इसमें ना देखिए दिख रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन रोटी इसी की अच्छी लगती है तो मैं रोटी तो शायद अभी बन जाएंगी क्योंकि ये ना अभी फ्रेम में है। ये देखो इस तरह से है, ये फ्रेम में दिख रही है ना कितनी बीच से फ्रेम में है, तो ये टूट के तो कहीं पे जाएगा नहीं। इसकी रोटी ना इतनी टेस्टी लगती है, अगर किसी के पास है और कोई खाता है बनाता है तो बताना मेरे को पक्का कि कैसी लगती है। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है। कोई बात नहीं, इसने साथ छोड़ दिया लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे इसका। अब नया लेके आऊँगी तो ये ना वैसे तो एक ही महीना चला बस, और अगर ऐसे ही एक एक महीने हर महीने अगर चेंज करना पड़ा तो फ़ायदा नहीं है। बाकी देखते हैं दूसरी मिट्टी, अगर अच्छी मिट्टी का मिल जाएगा ना पकी हुई मिट्टी का तो वो लेके आएंगे, यहाँ पे तो मुश्किल है मिलना, बाकी देखते हैं, वरना मैं इसी से ही काम चलाऊँगी। चलो फिर मैं खा लेती हूँ खाना, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, और फिर मिलते हैं बाद में। खा लिया है खाना और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब मैं दरवाज़े कर देती हूँ बंद, और किचन भी मैंने क्लीन कर दी, देखो कितनी अब सुंदर दिख रही है। और सुबह तो सभी की शायद आई गेस जितनी भी लेडीज़ होंगी ना, जो जितनी भी लेडीज़ देख रही होंगी वो सब मेरे साथ एग्री करेंगी कि सुबह के टाइम किचन तो इतने बुरे तरीके से फैल जाती है। देखो होगी है क्लीन पूरी, और सुबह अगर देखी होगी आपने इससे पहले जो सुबह का जो मैंने दिखाया था उसमें कितनी गंदी फैली हुई थी और बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जब तक झाड़ू पोछा बेशक से लग जाए, किचन क्लीन होना तो आधा काम निपट जाता है जब भी। तो अब मैं बस कूलर चलाऊंगी, ये दरवाज़ा कर देती हूँ बंद, बाहर हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी, और चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय। तो भाई अब हो गया है शाम का टाइम और पता ही नहीं चलता शाम कब हो जाती है, बस सो के उठी थी, थोड़ी देर हुई है सो के उठी थी और चाय पी थी। अगर चाय के साथ कुछ होता है ना खाने का तो मैं चाय पी लेती हूँ, वरना मैं चाय नहीं पीती। आज मैंने बना ली थी नमकीन, तो जो मैं सुबह बात कर रही थी ना दूध फट गया, वो सारा ही दूध फट गया। मेरे को लगा सिर्फ एक ही गिलास फटा है लेकिन वो सारा दूध फट गया, और उसका कारण पता है क्या था, इमली की चटनी, मतलब बनी हुई इमली की चटनी थी वो फ्रिज में रख दी थी, उसके कारण सारा दूध फट गया, नहीं तो ऐसे फटता नहीं था कभी भी। है तो थोड़ा ही, चलो कोई बात नहीं, वो तो सुबह तो वेस्ट हो गया था क्योंकि कॉफी बनाई थी उसकी तो वो तो हो गया था वेस्ट। अब ये वाला जो है ना इसका पनीर निकाल लेंगे, वैसे इतनी कोई टेंशन नहीं होती पनीर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी
कारण तो देखना ही था और दूध रखा हो खराब ना हो। चलो फिर मिलते हैं बाद में, अभी थोड़ी सी वॉकिंग करके हम, क्योंकि आज योगा भी नहीं हुई तो थोड़ी सी अब वॉकिंग करने जाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। तब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलना। और टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।